नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है शांति स्वरूप बोध जी, जो कि किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि हरिजन शब्द बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी ये संवैधानिक नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ बेटे, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चीज पुरानी होने की वजह से ही अच्छी नहीं होती है, कोई चीज नई होने की वजह से बुरी नहीं होती है। तो ये शब्द पुराना होते हुए भी अवैज्ञानिक है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। ईश्वर को कहते हैं हरि, यानी कि हरि की औलाद। पहले तो हरि दिखता ही नहीं, आज तक सिद्ध नहीं हुआ। बुद्ध ने सवाल उठाया था अब से 2600 साल पहले ईश्वर के सत्ता पर, आज तक भी वो कोई बुद्ध का जवाब दे नहीं पाया। जो चीज़ निर्णित ही नहीं हो पाई, जिसे ना तो आप साबित कर पाए, जिससे ना आप हाथ मिलवा पाए, जिसका ना आपने कोई सर्टिफिकेट ला के दिखाया, जिससे ना आपने इंटरव्यू लिया दिखाया, तो वो चीज़ निराधार है, वैज्ञानिक नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत उसकी सत्ता स्थापित की है। तो संविधान तो विज्ञान सम्मत है, संविधान में वही चीज़ है जो उस समय के 350 लोगों के बीच में चर्चा करने के बाद में निर्धारित हुई थी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उसके हेड थे, संविधान समिति जो प्रारूप समिति थी उसमें 350 लोगों ने जो तय किया वो संविधान में है। हरिजन शब्द संवैधानिक नहीं है, हरिजन शब्द मानवीय नहीं है, हरिजन शब्द का सत्यता से कोई मतलब नहीं है, हरिजन शब्द का सदाचार से कोई मतलब नहीं है। हरिजन शब्द हर तरीके से घृणित है, हर तरीके से त्याज्य है, हर तरीके से निंदित है। तो ऐसे शब्द का संविधान कभी भी समर्थन कर नहीं सकता। यही कारण है कि इस शब्द को संविधान का समर्थन प्राप्त नहीं है। ये एक वर्ग विशेष के लोगों को जो पहले से सदियों से दबे पिछड़े कुचले थे, उनके अधिकार छीनने के लिए उनको ये नाम दिया गया और उनको अंधेरे में रखने के लिए, भाई तुम तो हरि की संतान हो। अरे हरि की संतान तो है, मगर वहाँ से कोई चेक थोड़ी आता है, हरि के पास से कोई पेंशन थोड़ी आती है, कोई वहाँ से इनाम थोड़ी आता है, बगैर फ्री में ही उसका जन बना दिया हमको। तो हम ना हरिजन बनने को तैयार हैं, ना हम गिरिजन बनने को तैयार हैं। हम तो अपने बाप की औलाद हैं, वो बाप की औलाद ही रहना चाहते हैं, हम किसी की औलाद नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए इसका विरोध किया था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों ने, चाहे उसमें महाराष्ट्र के आरआर बोले रहे हो, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तरफ से वो जो बम्बई की वहाँ पर नगर पालिका है उसमें हमारे 17 मेंबर जीत कर आए थे, ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है, आरआर बोले विपक्ष के नेता होते थे, उन्होंने इस शब्द का विरोध किया। दादा साहब गायकवाड़ ने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के वो चेले थे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको साहित्यिक समर्थन दिया, साहित्यिक ऊर्जा दी, साहित्यिक मटेरियल दिया। उन्होंने अपने साहित्य में हरिजन शब्द की जो ऑपरेशन किया है वो देखने लायक है। हमारे यहाँ से हरिजन शब्द पर कई किताबें हैं, आप उनको पढ़ेंगे और भी ज्ञान प्रकाश होगा। ये शब्द खोखला शब्द है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है और हमारा तो बिल्कुल भला होने वाला नहीं है। तो भैया तुमने हरि की अवधारणा बनाई हमें लूटने के लिए, तुम्हें मुबारक, पर तुम्हारा हित हमें लूटने में हो सकता है, पर हम तुम्हारे द्वारा लूटे जाएं इसमें हमारा कोई हित नहीं है, इसलिए हम इस शब्द को नकारते हैं, इसलिए संविधान ने भी इसको नकार दिया, इसलिए इसको संविधान स्वीकार नहीं करता, इसका यही कारण है। धन्यवाद बेटे आपका एसएम न्यूज का। मैं शांति स्वरूप जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने कैसे बताया कि हमें ये हरिजन सब गैर संवैधानिक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।